हाँ, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू नाइन नेटवर्क। आज का जो सेशन टू है उसके अंदर मैं इंटरव्यू के अंदर किस तरीके का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में इंफॉर्मेशन। जब भी हमें इंटरव्यू पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट यूरसेल्फ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रो कराते हो आप अपना, ठीक है। हालांकि आपने ऑलरेडी रिज्यूमे तो सबमिट कर चुके हो, उनके पास कुछ डिटेल्स आपके बारे में है, लेकिन स्टिल वह आपके मुंह से वो सब चीजें सुनना पसंद करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में चार पांच चीजें होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप नाम बताओ प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप क्वालिफिकेशन बताओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अपने जॉब के बारे में बताओ, करेक्ट, मतलब जो करंट कंपनी है या कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें के बारे में, जिसके अंदर कंपनी वगैरह, मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं आपके सर्टिफिकेशन, ठीक है। आपने कोई कोर्स कर रहे, करंटली जस्ट कंसिडर करते हैं सीसीएनए का कोर्स कंप्लीट किया, सीसीएनपी परसिंग कर रहे, तो आप वो भी बता सकते हो। अगर कहीं पे आपने इंटर्नशिप या कुछ ऐसी अचीवमेंट है, जैसे कि आपने लास्ट कंपनी में कुछ अच्छा काम किया जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिला है, तो आप उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल एक फॉर्मल और एक अच्छी तरीके का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आपने कल वाला सेशन देखा होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक से, बेसिक एटिकेट से, जो आप सभी को पता है, लेकिन मैंने स्टिल वो बेसिक चीजें कवर करना जरूरी समझा। तो सेम गोज विद द इंट्रोडक्शन, माइट भी आप लोगों को इसके बारे में और ज्यादा आइडिया होगा, लेकिन स्टिल हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर हम लोग अपने नाम के बारे में बताते हैं, तो टेल देम कि हेलो सर, माय नेम इज एक्स वाई सर, पूरा नाम बता सकते हो आप, अपना स्टार्टिंग का नाम, लास्ट नेम, जो सरनेम है आप वो भी बता सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, जब भी कोई इंटरव्यूअर आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है, तो आपको ना, अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन में पैनल होता है। जस्ट कंसिडर करो कि इंटरव्यू लेने के लिए 2 से 3 पर्सन है। मान लो फर्स्ट पर्सन इज एचआर एंड द सेकंड पर्सन इज, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पर्सन ऑल आर टेक्निकल पर्सन लाइक मैनेजर, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, और आप यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। आपको जब भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आप हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन, ये बोल के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको सभी का नाम पता है, ठीक है, तो हर एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हेलो एवरीवन बोल दो, खत्म कर दो, क्योंकि हर एक का नाम लेना दैट डजन लुक गुड, ठीक है, जनरली नहीं लेते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाय मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब पर्सनली मैंने भी इसके पहले एक्सपीरियंस किया है, काफी सारे इंटरव्यूज को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, हाय, हाय सर, हाय मैम, नो। हम लोग एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में है, अगर आप हेलो से स्टार्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं सुनने में भी अच्छा लगता है, रिस्पेक्टफुल भी लगता है, ठीक है। और ज्यादा हम लोग ज्यादा एकदम फॉर्मल भी बनना नहीं है, एकदम बड़े लेवल पे ऐसा, रिस्पेक्टेड सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, नो, डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है, वो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ क्वालिफिकेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं आईटी इंडस्ट्री में, सो अगर आप बताते हो तो मोस्टली आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताओ, इफ यू हैव डन द पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बारे में बताओ, उसके ऊपर भी आपने पीएचडी या कोई मास्टर डिग्री आपने परस्यू की है, आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हो। आई हैव कम्प्लीटेड माई 10th in 2006, आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th in 2008, देन आई हैव कम्प्लीटेड माई फर्स्ट ईयर सेकेंड, नो, मैंने 2006 में इतने परसेंटेज मिले, 2008 में इतने परसेंटेज मिले, कोई जरूरत नहीं है सब चीजें डिस्कस करने की। अगर आपके पास हाईएस्ट एजुकेशन है आप वो भी बताते हो, उसके बारे में बताते हो, विच इज गुड, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी एक्सपीरियंस के बारे में। काफी सारे लोग ना यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। अभी एक्सपीरियंस को मैं ये 3 डिफरेंट कैटेगरी में
तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। द फर्स्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज अ फ्रेशर, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलेंगे मिड एक्सपीरियंस, जिसके बाद 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। एंड द थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज अ एक्सपर्ट, जो कि 10 साल या प्लस उसके ऊपर एक्सपीरियंस है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ऐसे एक्सपीरियंस है, मतलब हायर लेवल। अभी यहाँ पे एक चीज समझ है, इफ देर इज अ फ्रेशर ही हैज टू बी वेरी क्लियर। हेलो सर, माय नेम इज एक्स वाई सेड, क्वालिफिकेशन के बारे में, देन यू आर गोइंग टू टेल कि सर आई एम फ्रेशर, ओके, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑन द प्रोडक्ट, बट इफ आई गेट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली मैं इसको अचीव करना चाहूंगा। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी आई हैव कम्प्लीटेड माई सम सर्टिफिकेशन, सम टेक्निकल सर्टिफिकेशन, आई गैदर सम टेक्निकल नॉलेज, जो कि अपने कोर्सेज के उसके बारे में बता सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर आपने नेटवर्क इंजीनियर पोजिशन के लिए अप्लाई किया है तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन तो देखा ही होगा। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने राउटर स्विचेस के बारे में बताया तो ऑब्वियसली डॉट नेट और PHP का बंदा तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो वो आई एम नॉट श्योर कि वो बंदा शायद पागल ही होगा, ठीक है। अगर आप कहीं पे आपको डॉट नेट का ओपनिंग देख रहे हो और आप हो जिसने सीसी ने कंप्लीट किया है और आप यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा, फेल ही होगा, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई किया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड टू द आईटी नेटवर्क, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्या बोलना है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सॉरी सॉरी। देन अभी बात आती है मिड सेगमेंट एक्सपीरियंस पर्सन के। मिड सेगमेंट एक्सपीरियंस पर्सन कौन होते हैं, जिनके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ पे अगर उन्होंने 2 साल काम किया या 3 साल काम किया तो डेफिनेटली वो शायद से एक कंपनी में भी काम कर सकते हैं, दो कंपनी में भी काम कर सकते हैं, तीन कंपनी में भी काम कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया है। एक, दो, तीन, मल्टीपल कंपनीज में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप वो एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो तो आपको उनको ये नहीं बताना है सर मैंने फर्स्ट कंपनी में 2 साल निकाले, एक सेकंड वाले कंपनी में मैंने 6 मंथ निकाले, थर्ड वाले कंपनी में मैंने 2 साल निकाले। नो, ओवरऑल बता रहे हैं आई हैव 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप पूरा बता सकते हो। इफ आई हैव 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप उसके बारे में बता सकते हो। बट मेक श्योर जब आप मिड साइड एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपके पास बोलने के लिए भी टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि मैं 3 साल का एक्सपीरियंस हूँ। यू शुड मेंशन अबाउट द प्रोजेक्ट नेम कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैंने इस कंपनी के लिए काम किया है, आप उसके बारे में भी बता सकते हो। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि सर मैंने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, जिसके ऊपर सिस्को का प्रोडक्ट था, जिसके ऊपर जूनिपर के प्रोडक्ट थे, जिसके ऊपर मेरा की थे, मैंने कुछ 14.8 की टेक्नोलॉजी पे काम किया है, मैंने SD-WAN टेक्नोलॉजी पे काम किया, आप वो सब चीजें भी बता सकते हो, विच इज गुड एक्चुअली। आप अपना एक अच्छा इम्प्रेशन इम्पैक्ट करते हो, क्रिएट करते हो, नॉट इम्पैक्ट, क्रिएट करते हो। गॉट इट? यहाँ तक तो समझ में आ गया आई गेस। प्रोजेक्ट के बारे में बताया आपने, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताया, अगर आपको प्रोडक्ट के मॉडल नंबर पता है तो आप वो भी जिक्र कर सकते हो। माइट बी जो टेक्निकल पर्सन है पैनल में, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में शायद इंफॉर्मेशन हो, शायद से वो उसी प्रोडक्ट के लिए देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये पॉइंट उनके तरफ एक तरीके का आकर्षण क्रिएट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो आप वो शायद पूछेंगे अरे वाह ये तो सही है, हम तो इसी प्रोडक्ट के लिए देख रहे थे। हो सकता है, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कहीं ना कहीं इसी तरीके से कनेक्शन बिल्डअप होता है इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू भी आपसे रिलेट करना लग जाता है। अच्छा इसको मेरा के भी आता है, ओ अच्छा, इसको जूनिपर भी आता है, हमारे कंपनी में तो जूनिपर के प्रोडक्ट है, अरे यार ये तो सही बन रहा है यार, मतलब हमें इसके ऊपर उस चीज के लिए ज्यादा इफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, अगर इसको आ रहा है तो वेल एंड गुड है, हमारे लिए तो वो प्लस पॉइंट है, ऐसा कंपनी सोचती है, ठीक है। इफ आई बिकम ए इंटरव्यूअर,
इसके पहले भी मैंने कुछ लिए बेसिक लेवल पे, लेकिन मैं भी कुछ इसी तरीके का सोच रखता हूँ, तो मैं अपनी सोच भी यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो सर्टिफिकेशन, जैसे कि मैंने CCNA का किया है, CCNP का सर्टिफिकेशन किया है, और XYZ कोई सर्टिफिकेशन है, आप उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। आपने जब प्रोजेक्ट किया उसके अंदर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं, आप उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हो कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट में काम किया था तो उन्होंने मुझे स्टार परफॉर्मर का अवार्ड किया था, सम्मानित किया था, क्योंकि वो एक्टिविटी मैंने एक बिफोर टाइम फिनिश की थी। जो भी कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन ऑनेस्ट चीजें, ऐसा बनावटी चीजें नहीं बोलना है हमें, जो ऑनेस्ट है वही बताओ। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, आप बोलो कि नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट रहना काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, आप रिज्यूमे में लिख रहे हो कि मैंने सर्टिफिकेशन नहीं किया, लेकिन इंट्रोडक्शन के टाइम बोल दे कि सर्टिफिकेशन है, तो दैट इज अ रॉन्ग इम्पैक्ट ना। फिर ये सब चीजें नोट होती है, फिर बाद में बोलेंगे यार इन्होंने तो झूठ बोला था, फिर आप सोचते हैं यार मैं तो सभी टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर दे, ये मेरे साथ कैसे हो गया। नो, ऐसा नहीं करना कभी भी, मैं कभी भी पर्सनली ये चीजें करने को नहीं बोलता हूँ। आप अगर आपने सर्टिफिकेशन नहीं किया तो आप उनको बोल सकते कि आई हैवन्ट डन एनी सर्टिफिकेशन, बट मेरे पास ये टेक्नोलॉजी के ऊपर नॉलेज है, बिकॉज मैंने ये कोर्सेस किए हैं, आप उसके बारे में भी बता सकते हो, ठीक है। दैट इज अ गुड थिंग। अबाउट द एक्सपीरियंस पीपल, जिनके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी आप एक इमेजिन करो, अगर कोई फ्रेशर है जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फ्रेशर का इंट्रोडक्शन 2 से 3 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, चलो हम लोग बड़े से बड़ा 5 मिनट कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास हॉबीज वगैरह ना, आप वो भी बोल सकते हो, बट लास्ट में बोलो ये चीज। मेड साइज के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, अगर वो 10 से 15 मिनट भी बोलते हैं अपने बारे में, सब कुछ डिटेल में बताते हैं, विच इज एब्सोल्युटली गुड, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास काफी साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास तो बातें बहुत होंगी एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, रिवॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, सो डेफिनेटली इट विल बी अ लिटिल लॉन्गर, मतलब 20 मिनट का तो आराम से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 10 साल का एक्सपीरियंस वाला पर्सन 5 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर रहा है, सो आई डोंट थिंक सो कि दैट लुक्स गुड। आपके पास बोलने के लिए बहुत चीजें, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, अगर आप कोई टीम मैनेज करते हो उसके बारे में बताओ, आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ, आपने कुछ बड़ा सा अचीव किया 10-12 साल में, आप उसके बारे में बताओ, रिलेटेड टू द कंपनी वर्क, प्रोजेक्ट, ठीक है, बाहर की चीजें रिलेटेड टू द IT, ये सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज अ बेसिक थिंग वेन एवर यू गो फॉर द इंटरव्यू इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया। नेम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन, वो भी आप क्लियर कट तरीके से बोल सकते हैं, इट लाइक अगर आप परसेंटेज मेंशन नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कि किसी पर्सन को परसेंटेज कम रहते हैं उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि 45, 50, 55, 60 इस तरीके के, उनको लगता है कि यार मैं ये बता दूंगा तो शायद रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो कि आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ साइंस, नो नीड टू मेंशन यू नो द परसेंटेज, देन आई कम्प्लीटेड माई मास्टर मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, इतना ही बोल सकते हो। उसके बाद अगर आप वो पूछते हैं सामने से कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन डिड यू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन MBA, उसके बाद आप उनके उनको बोल सकते हो कि सर इन 2008, 2010, 2012, वॉट एवर, उसके बाद आप एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। ऑब्वियसली जब आप इंट्रोडक्शन दोगे, अगर उनको कुछ चीजें और डिटेल में जानना है, तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू सम काउंटर क्वेश्चन। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं सर पहले मेरा इंट्रोडक्शन खत्म होने दो बाद में आप पूछो। नो, इफ दे आर काउंटरिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप अपने आप को पॉज कर दो। जैसे कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो, तो मैंने इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट लिखे, 5 पार्ट लिखे एक्चुअली, ठीक है। तो नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप उसने एक्सपीरियंस के बारे में और ज्यादा डिटेल में पूछा, आपने बता दिया, देन उसके बाद पॉज लेने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे होना चाहिए। सर्टिफिकेशन के बारे में बताओ, अपने रिवॉर्ड्स के बारे में बताओ, इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को एक हेल्दी और इंटरेस्टिंग तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अभी जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, इफ यू रिमेम्बर कल के सेशन में बताया था मैंने, हमारे इंटरव्यू होते 2 तरीके से, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है हमारा ऑनलाइन।
ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक सिमिलरिटी है। इंटरव्यूअर आपको स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहा है एंड ऑफलाइन में वो लाइव आपको इंटरेक्ट कर पा रहा है। जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो तो एक स्माइल के साथ दो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दो और एक कॉन्फिडेंस के साथ दो विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन, जिससे बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी इंट्रोडक्शन, अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई पर्सन है, उसने बोला हेलो सर, आई एम एबीसी, आई डन माई ग्रेजुएशन, सर 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो हाउ हाउ इट लुक्स, बहुत डल डल सा लगता है राइट? अगर आप ही इमेजिन करो कि अगर आपके पास कोई पर्सन आया जो इस तरीके का इंट्रोडक्शन दे रहा है, कोई सच्ची में उसको हायर करेगा? आप तो मन में बोलोगे नहीं, यार ये कैसा बंदा है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, एकदम मरा हुआ इंटरव्यू दे रहा है। तो ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट यू नो हमारे दिमाग में भी इस तरीके से चीजें आती है, तो क्यों ना हम लोग इस पर इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाए। जैसे कि अभी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप वो सुनो तो आपको कहीं ना कहीं एक एक आइडिया आ जाएगा। हेलो सर, माई नेम इज एबीसी, आई एम बेसिकली फ्रॉम XYZ लोकेशन, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ साइंस, देन आई हैव कम्प्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन नेटवर्क फंडामेंटल एंड डेटा स्टोरेज, इवन आई हैव अनदर डिग्री दैट इज अ मास्टर डिग्री इटसेल्फ इन अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आई हैव टोटल 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस आई वर्क ऑन मेनी प्रोडक्ट, इवन आई वर्क विथ 3 डिफरेंट कंपनीज एज अ नेटवर्क इंजीनियर, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, वेयर आई डिप्लॉयड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक मेराकी, जूनिपर, ड्यूरिंग दिस जर्नी आई हैव कम्प्लीटेड सम सर्टिफिकेशन विच इज CCNA, CCNP, जूनिपर एंड सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन इवन इन लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिफोर दैट देर इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन दे रिवॉर्डेड मी एज अ बेस्ट इंजीनियर इन अवर टीम, आई वॉज देयर सिलेक्टेड फॉर स्टार परफॉर्मर। आप ये सब चीजें बोल सकते हो, तो आप सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, सामने वाला पर्सन भी एक इंटरेक्टिव वे से अच्छी तरीके से सुनने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग अपने एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को एक ऊपर के लेवल पे लेके जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप बोलोगे मेरा तो इंट्रोडक्शन अच्छा है, आई होप कि है, कोई दिक्कत नहीं, आपको शायद ये वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी का नहीं है तो आप इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन ऐसी पार्ट है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में जॉब विद इट इज फ्रेशर एक्सपीरियंस और हाईली एक्सपीरियंस पीपल के लिए इंट्रोडक्शन आपको पूछा ही जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ आपको पूछा ही जाएगा, तो आप उसको क्यों ना पहले से प्रिपेयर करो, प्रॉपर तरीके से करो, आप आईने के सामने बैठो, जस्ट ऐसा प्रिटेंड करो कि सामने में पर जो पर्सन है वो इंटरव्यूअर है, एक स्माइल के साथ, एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के एक्सप्रेशन के साथ इंटरव्यू देखो, देखो अपना इंट्रोडक्शन देके देखो, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं जनरली मेरे पास टाइम में जो मैं स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी ये सब चीजें करता था, मैं तुम्हें एक इनसाइड सीक्रेट बता रहा हूँ। क्या करो, मोबाइल के अंदर ना ऑडियो का ऑप्शन होता है, करेक्ट, उसको ऑडियो को ऑन करो और आप इंट्रोडक्शन दो अपना, उसके बाद उस ऑडियो को समझो, सुनो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा 2-3 बार सुनने के बाद, अरे भाई यहाँ पे मैंने ज्यादा पॉज ले लिया, अरे यार ये तो चीज बोलना नहीं था मैंने, ठीक है ना, गलत बोल दिया, शायद से मैंने ना पहले नेम के बाद डायरेक्टली सर्टिफिकेशन बोल दिया, क्वालिफिकेशन बाद में हो रहा था, मेरा सीक्वेंस गलत हो गया, आपको ना ये चीजें समझ में आएगी, जब समझ में आएगी तो आप उसको फिक्स करो, फिर से एक बार रिकॉर्डिंग बनाओ। आई होप कि सेकंड वाले रिकॉर्डिंग में भी आपको मिस्टेक्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है कि एक ही रिकॉर्डिंग के बाद सेकंड वाला परफेक्ट आना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 6-7 बार, 8-10 बार ऐसा चीजें होगा और उसके बाद ये सब चीजें फिक्स आउट, ये सब चीजें जो आप मिस्टेक करे उसको फिक्स करने के बाद लास्ट में जो अटेम्प्ट रहेगा आपका, दैट विल बी द बेस्ट अटेम्प्ट, फिर आप उसको कैरी ऑन करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्शन आने वाला है। या दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।